हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज हम कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लास 11th का, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 3.3, जिसके बेसिक फॉर्मूले हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, उनके अंदर सारे फॉर्मूलों को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के सबसे पहले आज एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। इसके अंदर हमें कह रहा है कि प्रूव डैट, प्रूव करना है आपको। उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रहा है, 3 sin π/6 secant π/3 -4 sin 5π/6 एंड cot π/4। हमें इक्वल किसके प्रूफ करना है, 1 के इक्वल। इसकी जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। अब देखिए, आपके पास इनकी वैल्यू रखते हैं हम 3 sin π/6, मीन्स sin 30 डिग्री है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। एंड सिकेंड π/3 मीन्स sec 60, और sec 60 cos 60 का रिवर्स होता है आपके पास, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 की 1/2 होती है। तो sec 60 की क्या होगी, आपकी 2 वैल्यू बन गई। एंड -4 sin 5π/6 आ गया, इसको हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास पाई माइनस पाई बाय सिक्स कर लेंगे। मीन्स आपके पास 6π - π, 1π 5π/6 बन जाएगा, क्योंकि आपके पास 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू आ गई इस कारण। एंड कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। आपके पास यहां से देखिए, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 3 × 1 3 हो गया, -4 × आपके पास क्या बचा, sin π/6। मीन्स 3 - 4 sin π/6 मीन sin 30, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो 3 - 2 आपके पास क्या आ गया, 1, इट इज ए राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास हमारा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। इसके अंदर हमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द sin 15 डिग्री। हमें sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको 45 - 30 या 60 - 30 कर लेंगे, 45 कर लेंगे। ठीक है, आपके पास इन सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपने क्लास 10th में भी सीखी होगी टेबल्स, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो भी आपके पास चैप्टर थर्ड की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर क्लास 11th के सेक्शंस के अंदर, तो उसकी पहली वीडियो भी आपके पास, मैंने वैल्यू इन्हीं वैल्यूज को फिंगर से एक बार फाइंड आउट करने के लिए आपको सिखाया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, आप अपनी हाथों की पांचों फिंगर से किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब sin A - B का फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पर, sin A cos B - cos A sin B। ठीक है, अब आपके पास sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3/2। ठीक है, ये हो गया। एंड -cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, एंड sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आपके पास √3/2√2 एंड -1/2√2। आपने दोनों का एलसीएम लिया, 2√2 √3 - 1। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, sin 15 डिग्री का हमारे पास आ गया। क्लियर, ऐसे ही आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan 13π/12, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 13/12/12 बनता है, तो सबसे पहले हम इसको 90 से छोटा करने के लिए π/12 आएगा आपके पास, 12 को एलसीएम लेंगे तो 12π हो जाएगा, 13 बनाने के लिए 1π इसके अंदर हो रहा, ऐड करना होगा। तो आपके पास 10π के कारण ये 10 का 10 रह गया, और 10π मतलब 180 डिग्री प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मींस वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, मींस इसके अंदर इसका साइन चेंज नहीं होगा। 12π/12 क्या होता है आपके पास, 180/12, इट मीन्स 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 - 30, ठीक है, या आपके पास 60 - 30। 45 क्या होता है, π/4, एंड 30 क्या होता है, π/6। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 10π/4 - π/6। ठीक है, आप चाहें तो इनको डिग्री में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड 10 आपके पास a - b, टेन एक्स माइनस टेन वाई का फॉर्मूला खोल दिया, टेन एक्स माइनस टेन वाई, ठीक है, पाई बाय फोर है, आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई।
क्लियर, ये आपके पास आ जाएगा। एंड आपके पास देखें टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है वन, और टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन बाय रूट थ्री, अपॉन वन प्लस टेन फोर्टी फाइव वन हो गया, और इसकी वैल्यू वन बाय रूट थ्री बन गई। ऊपर आपने रूट थ्री एलसीएम लिया तो रूट थ्री माइनस वन, इसको वन बाय वन मान लिया आपने, और ऐसे ही नीचे आपने रूट थ्री एलसीएम लिया तो रूट थ्री प्लस वन हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कैंसिल होकर बचा क्या रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। आप चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं आगे, नहीं करना चाहें वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं। रेशनलाइजेशन करना चाहें तो रेशनलाइजेशन करके लिख देंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मीन्स रूट थ्री की स्क्वायर थ्री हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर वन हो गया, माइनस टू ए बी अपॉन में नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फोर माइनस टू आया तो टू आपने कॉमन निकाल लिया, टू माइनस रूट थ्री अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल आपका, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया टू माइनस रूट थ्री, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही बेस्ड हमारे पास, हम इन्हीं पर वैल्यूज पर ही सबसे पहले डिपेंडेंट क्वेश्चन देखते हैं, इसके जो बाकी एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज पर बेस्ड, इन्हीं वैल्यूज पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। जो पांचों क्वेश्चन है इन सभी के अंदर आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, पहले चार क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वल माइनस वन बाय टू करना है, सेकंड में थ्री बाय टू करना है, थर्ड में सिक्स, फोर्थ में टेन करना है, ठीक है आपके पास, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, तो हमने हमारे पास क्या दिया गया, साइन की पावर टू पाई बाय सिक्स प्लस कोस की पावर टू पाई बाय थ्री माइनस टेन की पावर टू पाई बाय फोर। साइन थर्टी पाई बाय सिक्स थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू की पावर टू, प्लस कॉस सिक्सटी, ठीक है, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू आपके पास, ठीक है, तो वन बाय टू की पावर टू माइनस टेन पाई बाय फोर कितना होता है वन, मीन्स वन की पावर टू, ये वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर माइनस वन हो गया। मीन्स आप इनका एलसीएम लेकर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपने इनका एलसीएम लिया फोर, वन प्लस वन माइनस फोर, इट मीन्स माइनस टू बाय फोर, इट मीन्स माइनस वन बाय टू, यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, प्रूफ करना है हमें थ्री बाय टू की लेफ्ट हैंड साइड, टू साइन की पावर टू पाई बाय सिक्स, ठीक है, प्लस कोसेक की पावर टू सेवन पाई बाय सिक्स एंड कोस की पावर टू पाई बाय थ्री, क्लियर आपके पास ये आ गया। अब साइन थर्टी आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होती है वन बाय टू होती है, इसकी पावर टू, क्लियर, एंड प्लस ये आपके पास सेवन पाई वाई, मीन्स एक न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो पाई से बड़ी होगी वैल्यू, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोसेक की पावर टू तो रहेगी रहेगी, पाई प्लस पाई बाय सिक्स एंड कोस सिक्सटी डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है वन बाय टू की पावर टू आपके पास ये बन गई, ठीक है। अब देखें ये टू इंटू वन बाय फोर हो गया, प्लस कोसेक पाई के कारण आपके पास ये कोसेक ही रहेगा, क्लियर, और पाई बाय सिक्स आपके पास आ जाएगा, लेकिन पाई मतलब 180 डिग्री प्लस हो गया, 180 डिग्री प्लस का मतलब क्या हुआ, आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है माइनस का, तो आप माइनस का साइन लगाते, लेकिन ये आपको दिया गया पावर टू दिया गया, स्क्वायर दिया गया, तो माइनस की पावर अगर टू करेंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस ही हो जाएगा, इसलिए मीट मीन्स साइन चेंज नहीं होगा यहां पर, और वन बाय टू की स्क्वायर आपके पास वन बाय फोर आ गया, तो टू आपके पास ये सॉरी कट गया, कैंसिल हो गया आपके में, टू वन बाय फोर से कैंसिल होकर वन बाय टू आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एंड प्लस आपके पास फोर इंटू सॉरी वन बाय फोर इंटू, ठीक है, और कोसेक पाई बाय सिक्स, कोसेक पाई बाय सिक्स मीन्स आपके पास कोसेक थर्टी डिग्री, साइन थर्टी का उल्टा होता है, साइन थर्टी की वैल्यू हमने अभी लिखी है वन बाय टू, तो वन बाय टू का उल्टा टू हो जाएगा, टू का स्क्वेयर आपके पास मीन्स फोर हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल, तो वन बाय टू प्लस वन इट मीन्स थ्री बाय टू, और यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के अंदर, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए,
थर्ड पार्ट के अंदर दिया गया आपको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, आपको दे रहा है कोट की पावर 2π/6 प्लस कोसेक 5π/6 ठीक है, प्लस 3 tan की पावर 2π/6। अब यहां से देखें कोट पाई बाय सिक्स मीन्स कोट 30 और टेन 30 का उल्टा हो गया, टेन 30 की वैल्यू होती है आपके पास, देखें अगर आपको याद हो 0 30 डिग्री, टेन के लिए क्या होते हैं पहले फिंगर कितनी है 1, बाद में कितनी है 3, तो 1/√3 ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो गया √3, ये फिंगर से आपने वैल्यू की हुई है। प्लस कोसेक आपके पास 90 से बड़ा आ गया, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पाई माइनस पाई बाय सिक्स ठीक है, 6π में से 1π गया तो 5π रह गया आपके पास, 3 tan 30 डिग्री अभी हमने बात की है 1/√3 होगा, तो 1/√3 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा, तो यहां से आपके पास 3 प्लस cosec 180 माइनस, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है 1π/6 प्लस 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके पास, तो 3 प्लस cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, और सॉरी 30 की π/6 हो गया ना, 30 डिग्री हो गया, और cosec 30 कितना होता है साइन 30 का उल्टा हो गया, साइन 30 1/2 आपके पास, उसका उल्टा 2 हो जाएगा ठीक है, और ये आ गया 1, तीनों का जोड़ कितना हो गया 6, इट मीन्स राइट हैंड साइड आपके पास। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रहे हैं, हमें इक्वल 10 प्रूफ करना है इसको ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें दे रहा है 2 sin की पावर 2 3π/4 प्लस 2 cos की पावर 2π/4 ठीक है, प्लस 2 secant की पावर 2π/3। सबसे पहले हम इसको बदलेंगे साइन, इसको हम पाई माइनस पाई बाय फोर कर सकते हैं, पावर टू में ही रहेगा आपका, 2 cos π/4, पाई बाय फोर मीन्स 1/√2 वैल्यू बनेगी, तो 1/√2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, रूट टू का स्क्वेयर करेंगे ना, रूट टू का 2 आ जाएगा, प्लस 2 secant 60, secant 60 मतलब cos 60 का उल्टा हो गया, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos के अंदर आपको फिंगर्स पर कराई हुई है 0 30 45 60, cos के अंदर क्या होता है बाद के अंदर फिंगर्स कितनी है 1 ठीक है ना, आपको मेनली वो देखनी है मतलब हमारे पास, तो आपके पास cos 60 की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 1/√1 ही होगा 1/2, तो 1/2 से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी उसका उल्टा 2, तो 2 का स्क्वेयर ही लिख दें डायरेक्ट, तो 4 हो गया आपके पास। यहां से आगे देखें 2 sin π/4 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया, प्लस 8 यहां से 2 sin π/4 1/√2 हो जाएगा उसका स्क्वेयर, तो 1/2 आ जाएगा आपके पास, प्लस 9 ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 9 = 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन गया हमारे पास, क्लियर, यहां 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपको इसी प्रकार से वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन हमें फॉर्मूले का यूज करना होगा क्योंकि हमारे पास जो बेसिक वैल्यू है वो 0 degree 30 45 60 या 90 degree की है ठीक है ना, इनके अलावा हमारे पास मीन्स इनका यूज करते हुए बाकी एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है साइन 75 डिग्री की, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 45 + 30 लिख लें, जो भी आपके पास जो 5 वैल्यू उन्हीं में से किसी का यूज करते हुए, तो इनका रिलेशन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है। अब यहां से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, कॉस 45 की 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो √3/2√2 प्लस 1/2√2 ठीक है, तो आपके पास 2√2 आपने एलसीएम लिया, सो √3+1 ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका आगे एलसीएम कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, क्लियर। एंड सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है, आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। tan 15 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमने एग्जांपल के अंदर ऑलरेडी किया है इसको ठीक है ना, वही सेम आपके पास, वहां 13 पाई बाय था तो आपने पाई के इसको 15 बनाया था, पाई बाय 12 सॉल्व किया था, यहां डिग्री में दे दिया गया, सिर्फ क्वेश्चंस का इतना फर्क है। 45 - 13 तो tan a माइनस बी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला हो गया tan x ठीक है, ये 45 वाला जो क्वेश्चन है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, आप चाहें तो जहां tan 45 इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये लगा सकते हैं,
वन माइनस टेन थर्टी अपॉन वन प्लस टेन ए एक्स आना था, 45 वन होना, तो टेन वाई लिख लिया अपनी मीन्स 30. अब इनकी वैल्यू रख देंगे, वन माइनस वन बाई रूट थ्री, वन प्लस वन बाई रूट थ्री. आपने ऊपर रूट थ्री एलसीएम लिया, ठीक है, तो रूट थ्री माइनस वन, नीचे एलसीएम लिया तो रूट थ्री माइनस वन. डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन. आप यहां तक आंसर चाहें यहां तक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं चाहें तो आपकी चॉइस है. कई बार ऑप्शन में आपको आ जाता है तो उसमें फिर आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ता है, मीन जिसको रेशनलाइजेशन करेंगे. ए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स की पावर टू प्लस वाई की पावर टू माइनस टू इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स की पावर टू माइनस वन की पावर टू. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी, हम कह सकते हैं एक प्रकार से आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाएगी. सॉरी प्रॉपर्टी क्या की, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस वन. तो ये वन क्या आपके पास बन गया फोर माइनस टू रूट थ्री बाई टू. आप कॉमन निकाल कर काट सकते हैं, ऐसे नहीं सीधा फोर को इससे काट देंगे, वो गलत हो जाएगा. इन दोनों के साथ काटना है अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे दोनों के नीचे, या ऊपर से टू कॉमन निकालने जैसे हमने उसमें किया था आपके एग्जाम्पल के अंदर. टू से टू कैंसिल आपके पास, सो टू रूट थ्री, ठीक है, टू माइनस रूट थ्री, सॉरी, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब आगे इन्हीं का यूज कर, ये हमारे पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है. अब इसके ऊपर जितने भी बाकी जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, जो बाकी फॉर्मूलों का यूज करते हुए एग्जाम्पल किए गए हैं. एग्जाम्पल नंबर 13, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, हमें कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई, इसको आपको प्रूफ करना है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई से. ठीक है, आपको ये लेकर आना है. तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसका फॉर्मूला खोला, क्या बन गया, साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई आपके पास. फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, आपके पास डिवाइडिंग द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स एंड कोस वाई. ठीक है, एंड वी गेट, हमने कोस एक्स कोस वाई से क्यों किया, क्योंकि हमें साइन तो चाहिए ऊपर, नीचे बटा में कोस चाहिए हमें. ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स कोस वाई को हमने किया, तो साइन एक्स आपके पास कोस वाई, इसके नीचे हमने कर दिया कॉस एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स कोस वाई, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दिया हमने. ठीक है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा आपके पास आपको समझ में आई कि किया क्या गया है, उसके लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ इसको. माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई. यहाँ देखें कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन गया आपके पास टेन एक्स, क्लियर. और यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस वाई आपके पास क्या बन गया आपका टेन वाई अपॉन, यहाँ कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, साइन अपॉन कोस, तो टेन एक्स माइनस यहाँ कोस एक्स से कोस कैंसिल, तो क्या आ गया टेन वाई. यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था. ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास, क्लियर. इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए. इन सभी के फॉर्मूले देखने के लिए आपने, ठीक है, अपनी बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, सभी को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए. और या पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर किया आपके साथ उसका, ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं. इसमें आपको देखिए टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स माइनस इसको टू टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स ये प्रूफ करना है. तो यहां हम क्या करेंगे, वी नो डैट आपके पास एक स्टेप से कहीं भी बात नहीं बनेगी, थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स होता है. ठीक है, तो अब इसी चीज के ऊपर हम काम करेंगे. हमारे पास दोनों तरफ इसमें टेन ले लेते हैं, तो टेन थ्री एक्स इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये चीज होगी. तो यहां से आपके पास इसका टेन थ्री एक्स
इसका फॉर्मूला खोल दिया टेन एक्स प्लस वाई की फॉर्म के अंदर, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स आपके पास टेन वाई, इसको अपॉन वन मान लिया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीकेशन करने पर हमारे पास क्या बनेगा वो देखेंगे, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, चाहे इस तरफ से कर लें चाहे इस तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थ्री एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स को इनसे मल्टीप्लाई किया, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स एंड टेन एक्स, क्लियर, इक्वल टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रहेगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, क्लियर। अब हमने क्या किया अगले स्टेप के अंदर, इन दोनों को हम दूसरी तरफ ले गए, टेन थ्री एक्स ये दोनों पॉजिटिव हो जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, और ये टर्म आपकी नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये आपके पास एक ही टर्म है टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स एंड टेन एक्स आपके पास, क्लियर। और आप देखिए आपको यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है प्रूव्ड, ठीक है। अब इसी पर आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपके पास वैल्यू भी दी गई है और साथ में ठीक है आपका सॉल्व करने के लिए भी कहा गया। इसमें देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रहा है कोस पाई बाई फोर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है रूट टू कोस एक्स के, ठीक है, रूट टू कोस एक्स के आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें इसका हम फॉर्मूला खोलना चाहे फॉर्मूला खोल दें, ठीक है, कोस ए एक्स प्लस वाई कोस एक्स माइनस वाई, सीधा आइडेंटिटी यूज करना चाहे हमने एडिशन आइडेंटिटी तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था आपका टू कॉस एक्स, सॉरी टू नहीं था इस, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर था, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये क्या था टू कॉस एक्स प्लस बाई टू एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज कर देंगे यहां पर, टू कॉस इन दोनों का जोड़ पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाय टू एंड कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस, माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो जाएंगे, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू आपके पास। यहां देखेंगे x से x कैंसिल, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर डबल हुआ तो टू से डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा अकेला पाई बाई फोर ही आ जाएगा, मीन्स टू कॉस पाई बाई फोर, क्लियर। और कॉस इसमें आपके पास पाई बाई फोर कैंसिल हुआ तो एक्स एक्स टू एक्स आ जाएगा, टू से डिवाइड करके x ही बचा, तो टू कॉस पाई बाई फोर आपके पास ये वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू, ठीक है, एंड कोस एक्स, और हमने पीरियोडिक वैसे जनरल जो वहां पर फिंगर से की हुई है जीरो थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री, कॉस की देखने बाद में टू फिंगर्स है तो रूट टू बाई टू आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और टू को आप रूट टू, टू क्या होता है आपके प्रकाश एक प्रकार से रूट टू इंटू रूट टू होता है, इसको जब आप रूट टू से डिवाइड करेंगे तो एक कटकर आपके पास बच जाएगा, इसको काटा तो रूट टू बच गया आपके पास, इट मीन्स रूट टू कॉस एक्स, और यही आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा गया राइट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हमारा एग्जाम्पल नंबर 16, 17 आपको एग्जाम्पल दिए गए 17 तक, तो दो एग्जाम्पल आपके पेंडिंग है, ठीक है, और एक्सरसाइज के हमने आज पांच क्वेश्चंस कर लिए, बाकी अगले जो क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर हमें कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड कॉस 7x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x, आपके पास प्लस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया टू कॉस इन दोनों का जोड़ 7 प्लस 5 12 उसका हाफ 6x कॉस दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 5 2 उसका हाफ x अपॉन साइन के अंदर क्या फॉर्मूला है पहले कोस आ जाएगा टू कॉस, ठीक है, दोनों को आप जोड़ेंगे आपके पास 7 प्लस 5 12 12 का हाफ 6x और फिर साइन आएगा आपके पास साइन के फार्मूलों में, कोस के फार्मूले होते हैं तो कोस दोनों कोस के फार्मूले हों प्लस हो तो दोनों कोस माइनस होता तो दोनों साइन, ठीक है, अगर साइन के आपके प्लस माइनस हो तो पहले एक कोस आएगा एक साइन आएगा, प्लस हो तो पहले साइन बाद में कोस, अगर माइनस हो तो पहले कोस बाद में साइन, सेवन माइनस फाइव टू हो गया टू से डिवाइड करके आपके पास एक्स आ गया, यहां से देखिए टू से टू कैंसिल कोस सिक्स से कोस सिक्स एक्स कैंसिल और कोस बाय साइन क्या बन गया
कॉट एक्स बन गया, और यही आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 17 के अंदर आपको क्या दिया गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, आपको दे रहा है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x इक्वल प्रूफ करना है हमें 10x की, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास साइन 5x प्लस साइन x, इसके ऊपर हम फॉर्मूला, क्योंकि 2 से 3 साइन 3x आ गया ना, इसको अलग से रख लेते हैं, प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x, और नीचे आपके पास ये है ही कॉस 5x माइनस कॉस x, आपको 10x के रबर लेकर आना है इसको। यहां से साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन, क्योंकि साइन के फॉर्मूले पहले साइन आएगा, दोनों साइन है ना, तो एक साइन आएगा कोस, पहले साइन दोनों का जोड़ 5 और प्लस 1 6 उसका हाफ 3x, फिर बाद में कॉस 5 माइनस 1 4 4 का हाफ 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन में नीचे कोस माइनस कोस आ गया, माइनस आ गया तो आपके पास फार्मूले में क्या आएगा, माइनस साइन के अंदर आएंगे दोनों, 2 साइन दोनों का जोड़ 5 और 1 6, 6 का आधा 3, साइन 5 माइनस 1 ठीक है 4, 4 का हाफ 2x, और इसके अंदर आपको याद होना चाहिए स्पेशल यहां पर माइनस का साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो 2 साइन 3x 2 साइन 3x दोनों बन रहे हैं, तो हम ऊपर क्या करते हैं 2 साइन 3x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर 2 साइन 3x कॉमन निकाला तो आपके पास यहां क्या बचा, ये तो कॉमन बाहर चला गया, ठीक है। यहां क्योंकि प्लस का साइन था तो माइनस में हो गया, माइनस कॉस 2x, ठीक है, और माइनस बाहर जा चुके तो प्लस 1 आपके पास अपॉन माइनस 2 साइन 3x एंड साइन 2x। अब आपके पास क्या हुआ, माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x, ये पूरे की पूरी टर्म्स आपके पास कैंसिल होगी इससे, ठीक है। पूरे की पूरी टर्म कैंसिल होने के बाद आपके पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 माइनस कॉस 2x आपके पास क्या होता है, या यूं कहें कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, जो मर्जी हम लगाना चाहें, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में साइन 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला आपके पास साइन की फॉर्म के अंदर, ताकि नीचे क्योंकि अकेला कोस बचे, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x, हमें 10x प्रूफ करने तो ये खत्म होना चाहिए, इट मींस कोस 2x का फॉर्मूला हम साइन की फॉर्म में खोलें, 1 माइनस कोस 2x, वैसे भी 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल टू कोस 2x होता है, ठीक है। तो आप इसको उधर लेके पॉजिटिव हो गया लेफ्ट साइड में, ये इधर आके नेगेटिव हो गया, तो 1 माइनस कोस 2x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स के, ठीक है। आप आपके पास देखें क्या बना, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल एंड साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है आपका 10x इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।